हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की एक पोयम टाइटल्ड अमांडा, रिटन बाय रोबिन क्लाइन। ये जो पोयम है हमें बताती है एक लिटिल गर्ल के स्टेट ऑफ माइंड के बारे में, उसकी मनोस्थिति के बारे में। ये वो गर्ल है जिसे कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसे बार बार कहा जाता है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसके पेरेंट्स के द्वारा और मोस्ट प्रोबेबली उसकी मदर के द्वारा ये बात कही जाती है। लेट्स रीड द पोयम नाउ। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नेल्स को मत बाइट करो, अपने नाखूनों को मत काटो अमांडा। बच्चे क्या करते हैं, अपने दांतों से अपने नाखूनों को काटने लग जाते हैं, तो उसे कहा जाता है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने शोल्डर्स को, कंधों को मत हंच करो, मत रेज करो, मतलब कुबड़ बनाकर मत बैठो अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ये स्लाउचिंग बंद करो, मतलब बैड वे से बैठना बंद करो, लेजी वे से, आलसी तरीके से बैठना बंद करो और सीधा बैठ जाओ अमांडा। जब उसे ये बात कही जाती है तो जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो ब्रैकेट में दे रखा है, तो ब्रैकेट में इसलिए दे रखा है कि अमांडा उस समय क्या सोचती है, अपने माइंड में उसके क्या चल रहा है। तो उसके माइंड में क्या चल रहा है, देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी। लैंग्विड मीन्स रिलैक्स्ड, शांत। वो कहती है एक बिल्कुल शांत एमराल्ड सी है। एमराल्ड मतलब ग्रीन कलर का। वैसे एमराल्ड का मीनिंग क्या होता है, ग्रीन कलर का प्रीशियस स्टोन होता है, लेकिन यहां पर इसका मीनिंग क्या है, ग्रीन। तो वो कहती है एक रिलैक्स शांत ग्रीन कलर का सी है, समुद्र है। वेयर, जहां पर द सोल इनहेबिटेंट, सोल मीन्स अलोन, अकेली, इनहेबिटेंट निवासी, इज मी, वहां पर मैं हूं। समुद्र की इकलौती निवासी मैं हूं, और मैं क्या हूं, अ मरमेड, मैं एक जलपरी हूं। मैं समुद्र में क्या हूं, जलपरी, ड्रिफ्टिंग, और मैं मूव कर रही हूं स्लोली, धीरे धीरे, ब्लिसफुली, बड़े आनंद से। ये अपनी कल्पनाओं में वो सोच रही है। फिर उसको कहा जाता है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपने होमवर्क को फिनिश कर लिया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपने रूम को टाइडी, साफ सुथरा कर दिया अमांडा। आई थॉट, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था टू क्लीन योर शूज, अपने शूज को भी क्लीन कर लेना अमांडा। तो उसके पेरेंट ये बात बोलते हैं, मदर उसकी ये बात बोलती है। मोस्ट प्रोबेबली ये हमें लगता है कि उसकी मदर ने ही बातें की हैं अपनी बेटी के साथ। तो वो क्या सोचती है बेटी आगे से, अमांडा क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन, वो सोचती है कि मैं अनाथ हूं। ऑर्फन मीन्स अनाथ, मैं क्या हूं, अनाथ हूं। रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं घूम रही हूं स्ट्रीट में, गली में। I pattern soft dust with my hushed bare feet, मैं pattern बना रही हूँ, design से बना रही हूँ soft dust के ऊपर, with my hushed, silent, चुपचाप, जिसमें से कोई आवाज नहीं आ रही, ऐसे bare feet के साथ, ऐसे नंगे पाँव के साथ, मिट्टी पर पाँव मेरे पड़ रहे हैं और मैं pattern design बना रही हूँ। और वो सोचती है द साइलेंस इज गोल्डन, जो साइलेंस है इज गोल्डन, वो गोल्डन है, सुनहरा है, बहुत अच्छा है। द फ्रीडम, और जो आजादी होती है इज स्वीट, वो बहुत मीठी है। मतलब वो ऑर्फन भी होने के लिए तैयार है, उसे कोई बार बार टोके नहीं, नैक नहीं करे। तो नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं, फिर बोला जाता है डोंट ईट दैट चॉकलेट, ये चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने, याद करो अपने पिंपल्स को, मुहांसों को अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरे को देखोगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं मेरी तरफ देखोगी अमांडा। तो वो फिर क्या सोचती है अमांडा, आई एम रैपुंजल, मैं क्या हूं, रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मेरे को कोई परवाह नहीं है। तो ये जो रैपुंजल वर्ड यूज किया गया है, ये एक स्टोरी से लिया गया है, जो एक फेरी टेल है। रैपुंजल क्या थी, एक लड़की थी जिसे एक विच के द्वारा, एक डायन के द्वारा एक टावर में कैद कर लिया जाता है,
और उस टावर में कोई डोर वगैरह नहीं होता, बस ऊपर एक खिड़की होती है जहां पर वो कैद होती है, और वो हाई टावर होता है। और वो जो डायन है, वो जो विच है, वो उसके पास कैसे विजिट करती है रेपंजल के पास। रेपंजल के जो हेयर होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं, तो वो जो विच है वो कहती है, रेपंजल लेट डाउन योर हेयर, अपने बालों को नीचे करो, और उस बालों को पकड़कर वो टावर पे रेपंजल को विजिट करती थी। तो अब जो है ये क्या सोच रही है अमांडा कि आई एम रेपंजल, आई हैव नॉट ए केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं। लाइफ इन ए टावर, जो लाइफ है ना टावर में, इज ट्रैंक्विल, बिल्कुल शांत है, एंड रेयर और मुश्किल से मिलने वाली लाइफ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन, और पक्का ही मैं कभी भी लेट डाउन नहीं करूंगी, नीचे नहीं गिराऊंगी माई ब्राइट हेयर, अपने चमकीले बालों को मैं नीचे नहीं करूंगी। तो मतलब मैं अकेली रह रही हूं, शांत रह रही हूं, वो ऐसा सोचती है। फिर आवाज आती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, ये रूठना बंद करो, जो तुम एकदम रूठ जाती हो अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत ही ज्यादा क्या हो, मूडी हो अमांडा। एनी वन वुड थिंक, कोई भी ये सोचेगा दैट आई नैग डेट यू अमांडा, कि मैं तुम्हें बार बार टोकती हूँ, बार बार डांटती हूँ, कोई भी ऐसा सोचेगा अमांडा। तो यहाँ पे ये पोएम स्टूडेंट्स एंड होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टू क्लिक द लाइक बटन। थैंक यू।